हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब की बार भिवानी बोर्ड ने जो केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो के जो क्वेश्चंस पेपर है वो की बार 70 मार्क्स के कर दिए। पहले 60 मार्क्स के हुआ करते थे। अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्या क्या है हम देखते हैं। एक तो जो 1 मार्क से क्वेश्चंस है वो 12 से 14 कर दिए गए हैं। यानी कि पहले कितने 12 1 मार्क से क्वेश्चंस आते थे, 2 मार्क से क्वेश्चंस पहले 6 थे जो कि टॉप 10 हो गए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पहले 5 थे, अब की बार 6 है। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 3 ही है। ठीक है, तो अब की बार टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं 21 क्वेश्चन है। टाइमिंग 3 आवर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आयन्स आर गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 5 BrSO4 इन वाटर। यानी कि इफ यू डिजोल्व दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन वाटर देन हाउ मैनी नंबर ऑफ आयन्स इट विल गिव। तो जैसे हम इसको आयन्स के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, इट विल प्रोवाइड Br- एंड SO4 टू नेगेटिव आयन्स। तो दीज आर प्रोवाइड 2 आयन्स, तो आवर आंसर इज 2। इसका आंसर कितना है हमारे पास, 2 हो जाएगा। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। आप NH3, AsH3, BiS3 एंड PS3 जो आपके ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, ये उनके सभी के हाइब्रिडाइज आपको गिवन है। तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देन आंसर इज BiS3। BiS3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या है, जो रिड्यूसिंग करेक्टर वगैरह आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज दिस आर ए रेट के इज अ कॉन्स्टेंट। ये आपके रिएक्टेंट टर्म्स है, पावर 3/2 एंड यहां पे पावर हमारी है 1। देन जो हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देन ऑर्डर क्या रहेगा हमारा, जो इनकी पावर है इनको हम ऐड कर देंगे 3/2 प्लस में 1। देन LCM 3 2 5/2 डिवाइड होके कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.5। देन आवर आंसर इज 2.5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ CH3CH2OH विद H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट पी। हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एंड डिहाइड्रेशन मीन्स क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। देन इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द इथीन, तो आंसर इज आवर इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहां पे टेम्परेचर आपका 443 केल्विन टेम्परेचर होता, देन देर इज द सिंथेसिस ऑफ इथर, विलियमसन सिंथेसिस को हम बोलते हैं। तो
तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि 413 केल्विन टेम्परेचर पर इथेनॉल अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल फॉर्म इथीन विद लॉस ऑफ द वाटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन. दिस इज एनिलीन. PKB वैल्यू ऑफ एनिलीन एज कंपेयर टू CH3CH2NH2. देखो जो आपका जो एनिलीन है इट इज द वीक बेस एज कंपेयर टू इथाइल अमाइन. ठीक है, जो ये आपका एनिलीन है और ये आपका है इथाइल अमाइन. तो इथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन एनिलीन. देन द पीकेबी वैल्यू जो कि अपोजिट होती है बेसिक वैल्यू के, तो जो पीकेबी वैल्यू है वो एनिलीन की क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, इथाइल अमाइन से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ एल बाय में ए इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट. जो आपका एल बाय एल ए है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं. एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब जो आपका ये सेल कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है यानी कि लेंथ, एंड डिपेंड करता है दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट यूनिट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो हमारे पास एक जनरल टर्म्स है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन वन माइनस में एन इंटू में टाइम माइनस में वन. नाउ n फॉर नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे हमारे पास कौन सी है सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो यहाँ पे कितना आएगा, कंसंट्रेशन माइनस वन हो जाएगी. अब जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है आपकी मोल पर लीटर. अगर इसकी पावर माइनस वन और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में तो ये इन्वर्स हो जाएगा. तो इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस कैटालिसिस. एंड होमोजीनियस कैटालिसिस इज डिफाइन एज द व्हेन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज. अगर आपके रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है यानी कि रिएक्टेंट भी सॉलिड स्टेट में है और आपका जो कैटलिस्ट है इट इज ऑल्सो इन सॉलिड, या दोनों गैस में है या दोनों क्या है आपका लिक्विड में है, देन इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं. एग्जांपल SO2 गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस एंड फॉर्म SO3. ओके, बैलेंस इट 3
2 and then 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. हमें व्हाइट फॉस्फोरस स्ट्रक्चर ड्रो करना है जो कि आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दैट, ये वाला. यहाँ पे लोन पेयर इनकी ये ऐसे, जो ये एंगल है हमारे पास वो 60 डिग्री के आसपास रहता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. स्मोक इज विच टाइप ऑफ कोलाइड. स्मोक हमारा किस टाइप का कोलाइड है. देन स्मोक इज ए एरोसोल. एरोसोल इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एसिड. देन जो बेसिसिटी की बात करें यानी कि नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट, अगर हम इस पे डायटम से स्ट्रक्चर पे जाते हैं. अब जो हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3. नाउ देयर इज 2 OH प्रेजेंट, सो H3PO3 इज डाइबेसिक इन नेचर. किस नेचर के हमारे डाइबेसिक नेचर के होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आयुपैक नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड. तो नाउ क्लोरीन को पोजीशन नंबर 1, मिथाइल को पोजीशन नंबर 2. तो हमारे इसकी नेमिंग क्या होगी, 1-chloro 2-methyl 1-benzene. ओके, 1-chloro 2-methyl 1-benzene. Now our next question is write these in order of increasing their boiling points. This is our secondary amine. This is our primary amine. This is our alcohol. And this is our tertiary amine. Okay. Now, हमें इनके boiling points का increasing order बताना है. तो जो आपके सबसे पहले जो आपका alcohol है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, वो अमाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अमाइन. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका अल्कोहल. देन सेकंड पे, अब अगर मैं बात करता हूँ अमाइन्स की, अमाइन्स में जो प्राइमरी अमाइन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी अमाइन से. देन सेकेंडरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोर देन होता है टर्शियरी अमाइन से. तो ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन. ओके,
Now, our last question is, what is the main product of the reaction? तो यहाँ पे जो एनिलीन की रिएक्शन है वो पाइरीडीन के साथ की गई है. पाइरीडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की गई है. देन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपके पास NH एसाइलेशन रिएक्शन एड करेगी तो हमारा जो यहाँ पे एसाइल पार्ट यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा वो बनेगा एसिड एनिलीड. ओके दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक तरह की एसाइलेशन रिएक्शन हमारी ये. नाउ आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है.